हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो अपना ट्रूव्यू का प्रोडक्ट है पल्स ऑक्सीमीटर, उसके रिगार्डिंग। अभी रिसेंटली बहुत सारे कस्टमर्स का क्वेरी है कि उसमें डिवाइस टर्न ऑन होता नहीं है या डिवाइस चालू होने के लिए दिक्कत आती है, और कभी कभी रीडिंग्स वगैरह जो है वो आती नहीं है टर्न ऑन होने के बाद भी। अगर अगर रीडिंग्स वगैरह आती है तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस वगैरह होता है, ये कस्टमर्स का बहुत सारे कहना है, तो उसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कशन करेंगे। अभी जो आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस जो है अभी इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में है, मैं आपको उसका सेटअप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो बैक पैनल है ये मैंने निकाला है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ड्यूरासेल्स जो है, तो वो मैं ड्यूरासेल्स यूज़ कर सकता हूँ, और अगर आपके पास एवरडे का भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लस वाला सिंबल है, यहाँ पे प्लस वाला सिंबल है और यहाँ पे माइनस वाला सिंबल है, तो हम जब सेल इंसर्ट करेंगे तो वो जो पोलैरिटीज़ है उसके अनुसार हम उसमें इंसर्ट करेंगे। जैसे कि अभी प्लस यहाँ पे है तो मैं ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस वाला आएगा स्टार्टिंग में। सेल इंसर्ट होने के बाद पैनल लगा दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि अगर जो जो कस्टमर्स को इशू आए थे कि डिवाइस चालू नहीं हो रहा है या उसमें पावर नहीं आ रहा है, तो उसका जो रीज़न मिला है कि वो सेल अगर गलत तरीके से इंसर्ट होते हैं तो उसके कारण वो प्रॉब्लम आता है। अभी यहाँ पे डिवाइस टर्न ऑन करने के लिए एक हल्का सा हमें प्रेस करेंगे इसको बटन को, तो वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी मेरा इंडेक्स फिंगर इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 30 सेकंड्स का मिनिमम हमें उसको देना पड़ेगा, कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर हो उसको टाइमिंग तो देना पड़ेगा रीडिंग आने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 सेकंड्स के बाद उसका एक्चुअल रीडिंग हमें शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रीडिंग्स है वो अभी 30 सेकंड्स के बाद कांस्टेंट हो रहा है। तो अगर किसी कस्टमर्स को प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि रीडिंग तो आ रही है लेकिन फ्लक्चुएशंस हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा अगर आप मिनिमम 30 सेकंड्स उसको देंगे रीडिंग आने के लिए। ये अभी रीडिंग जो है आप देख सकते हैं ये लाइव है। तो जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम थे, जैसे कि डिवाइस टर्न ऑन होता नहीं है या रीडिंग आती नहीं है, अगर रीडिंग आती भी है तो फ्लक्चुएशन होता है, तो अभी फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं कि नहीं हो रहा है क्योंकि हमने 30 सेकंड्स उसको दिए हैं मिनिमम। और अगर 30 सेकंड्स के बाद अगर 90 के बिलो अगर आपका रीडिंग आता है या 94 के बिलो एकदम आता है, या कभी कभी अगर 85 या 86 भी आता है बिलो 80, तो वो केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें कुछ इश्यू आ सकता है डिवाइस में। तो वो केस में आप एक बार टेक्निकल सपोर्ट से बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा, या जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है वो उनको बताएंगे आपको। और अगर आपको कुछ इसमें भी कुछ क्वेरी आता है कि डिवाइस टर्न ऑन नहीं हो रहा है, या आप प्रॉपर सेल भी इंसर्ट करते हैं फिर भी अगर चालू नहीं होता है, तो वो केस में आप एक बार क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे सेल्स आप इंसर्ट करके देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। ठीक है सर, तो आई होप कि आपको जो भी हमने डिस्कशन किया है उसका डेफिनेटली हेल्प हो जाएगा टू एनालाइज द इशू एंड ऑल्सो टू डायग्नोज द इशू। कभी कभी आपको कस्टमर्स बोल सकते हैं कि उसमें फिंगर आउट का एरर आता है, तो इनकेस अगर आप प्रॉपर सब चीज़ें करते हैं उसके बाद भी अगर फिंगर आउट कंटिन्यूसली आ रहा है, तो वो केस में आप डेफिनेटली टेक्निकल सपोर्ट से एक बार बात कर लीजिएगा, उसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो आपको सॉल्यूशन यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर।